प्रयागराज में आज जुमे की नमाज शहर में सकुशल संपन्न हो गई, जिससे पुलिस और प्रशासन ने भी राहत की सांस ली है। नमाज से पहले ही अटाला इलाका छावनी में तब्दील कर दिया गया था। मस्जिदों के बाहर भी पुलिस और लोकल वॉलंटियर्स भी तैनात रहे। अटाले की मस्जिद में रोज की तरह नमाज हुई और लोग अपने अपने घरों को लौट गए। की नमाज के बाद लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से नमाज पढ़ा है मस्जिदों में और अमन चैन के लिए दुआ किया है कि हमारे शहर में अमन चैन बना रहे, प्यार मोहब्बत जैसे हमेशा रही उसी तरीके से बना रहे, जैसे हिंदू और मुसलमानों में सदियों से मोहब्बत और प्यार चला रहा है उस तरह मोहब्बत बनी रहे, उसके लिए आज दुआ की। युमा की और अटाला के सारे जो वॉलंटियर के रूप में यहाँ के निवासी हर चौराहे पर लगे थे और हर मस्जिदों में नमाज करीब करीब अदा हो गई और बड़े अच्छे माहौल में और कुशल मंगल ये नमाज अदा हो गई। लोग अपने अपने घरों को चले गए। नमाज पढ़ने के बाद कोई भी शख्स इस चौराहे पर दिखाई नहीं दिया। बड़े अच्छे माहौल में और हमारे यहाँ के निवासी अटाला के तमाम लोगों ने इसमें बड़ी मेहनत किया और किसी को आने और निकलने नहीं दिया। बच्चों को भी समझा दिया गया था कि भाई इस तरह का निकलने का कोई मौका न दिया जाए और हमने अपील भी किया था दो दिन पहले, कल भी अपील किया है कि आप लोग अपनी अपनी नमाजें पढ़ के अपने व्यापार में लगिए, दुकानें खोलिए, अपने बच्चों के साथ रहिए। पिछले जुमे की नमाज के बाद हुए उपद्रव के बाद अटाला इलाका फोर्स की निगरानी में है। नॉनवेज की सारी दुकानें बंद हैं, हालांकि आज अटाला की कुछ दुकानें खुली और आम रास्ता भी खुला रहा। सुरक्षा का एहसास कराने के लिए RAF ने कई राउंड फ्लैग मार्च भी किया। RAF के जवानों और पुलिस के अफसरों ने अटाले की गलियों में भी जाकर हालात को नॉर्मल किया। अटाले की गलियां भी सूनी रहीं। दरअसल उपद्रव के बाद से अधिकतर लोग घर छोड़कर भागे हैं। इलाके के बुजुर्ग खुद ही आगे आकर लोगों से शांति और भाईचारे की अपील कर रहे हैं। यहाँ आप जो पकड़ेंगे उसमें देखिए कोई यहाँ का पता लगा लीजिए, यहाँ का कोई एक लड़का नहीं है यहाँ का। हमारे इमाम साहब ने पहले ही तकरीर करके बता दिया था कि कोई किसी भी किस्म के उसमें शामिल नहीं होगा और लोगों ने माना, कोई गया ही नहीं वहाँ पे। और ना यहाँ का आप पता करिए जो लोग पकड़े गए इमाम को तो जेल भेजा गया। हाँ, ये तो जमाने को मानत की तैयारी अब लोग जो जो इंतजाम वाले होंगे वो कर रहे होंगे, क्योंकि वो इस मामले में मेरे ख्याल से कोई पुराना मामला NRC वाला था, उसी में गए हूँ। इस मामले से तो गए नहीं, इसी मामले में तो उस दिन की पूरी रिकॉर्डिंग अगर प्रशासन चाहे तो चेक कर ले। अभी तो जिम्मेदारान है वो जो देखें उससे बात करें। ये जुमा तो अटाले में पूरी शांति से गुजरा, पिछला जुमा भी शांति से गुजरा है। आप पता लगाइए जो लोग पकड़े गए एक भी आदमी यहाँ का नहीं मिलेगा आपको। मतलब ये जो तस्वीर की जो अपील थी कि इस बार नमाज पढ़ के लोग घर जाए तो वो पूरी तरह से मानी गई है लोगों ने। तो पिछले भी बार अभी भी यहाँ हमेशा ही सही सुकून से नमाज होती है, यहाँ कोई किस्म का किसी उपद्रव ना कोई सरकारी बयान वयान कुछ नहीं होता। यहाँ पे नमाज पढ़े आदमी घर जाए, अगर कोई तकरीर भी होती है तो दीन के बारे में होती है। पुलिस ने आज नमाज को शांति से संपन्न कराने के लिए काफी पुख्ता इंतजाम किए थे। कई हजार फोर्स अटाले पर तैनात थी और CCTV और ड्रोन कैमरे से पूरे इलाके की निगरानी की जा रही थी। नमाज खत्म होने के बाद अफसरों ने भी राहत की सांस ली है। हालांकि अटाला की पुरानी रौनक को लौटने में अभी वक्त लगेगा। किसी से भी निपटा जा सके, सारी फोर्स भी अलर्ट है, सभी जगह PAC मुस्तैद है, सुसज्जित है, सबकी ब्रीफिंग की जा चुकी है ताकि किसी भी अकस्मात स्थिति से निपट लें। आप देख रहे होंगे काफ़ी भारी संख्या में फोर्स तैनात है और पूरी तरह से माइंड भी मेकअप कर लिया है पुलिस ने कि समझाने बुझाने का प्रयास किया जाएगा, लेकिन समझाने बुझाने की जब चीज़ विफल हो जाएगी प्रयोग करने में भी कोई हिचकेगा नहीं। लेकिन हमारी यही टोटल मंशा है और यही इरादा है कि हमको बल प्रयोग करने की ज़रूरत ना पड़े। हमारे सभी भाई बंधु, हमारे नगरवासी, ग्रामीणवासी जो भी नमाज अता कर रहे हैं सकुशल अता करके अपने अपने घरों को लौट जाएं और कोई भी कानून हाथ में लेने का प्रयास ना करें, अन्यथा हमें मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तारी करने पर बाध्य होना पड़ेगा, जो कि हम हरगिज नहीं चाहते हैं। तो सभी से अपील है कि शांति व्यवस्था बनाए रखें, कानून को अपने हाथ में ना लें, नमाज सकुशल और शांतिपूर्वक अदा करके अपने अपने घरों को जाएं।